अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग साउथ कोरिया के पॉप के मुतालिक जानते हैं तो आप लोग इसमें फेमस गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक के मुतालिक तो जानते होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। मेल में पॉपुलर ग्रुप BTS है और फीमेल में ब्लैकपिंक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इन दिनों इसराइल और फिलिस्तीन का जंग जारी है, शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इस बारे में ना जानता होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ब्लैकपिंक मेंबर्स फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जिन पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, न सिर्फ ब्लैकपिंक मेंबर्स पर बल्कि सारे केपॉप आइडल पर कि कौन से आइडल किसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अभी ब्लैकपिंक मेंबर जिसो के मुतालिक एक न्यूज सामने आ रही है कि ब्लैकपिंक जिसो ने गाजा फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए अपनी यूट्यूब चैनल की अर्निंग डोनेट कर दी। तो क्या वाकई ब्लैकपिंक जिसो ने गाजा फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए पैसे डोनेट की? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको यही सब दिखाने वाला हूँ। ब्लैकपिंक जिसो को तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये एक पॉपुलर ब्लैकपिंक मेंबर है और इसका ताल्लुक साउथ कोरिया से है। ये एक एक्ट्रेस, सिंगर, मॉडल, यूट्यूबर और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। शुरू में बहुत सारे लोग को ऐसा लगता था कि ब्लैकपिंक जिसो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी अपलोड की जिसमें इसने स्टारबक्स को दिखाया था और स्टारबक्स इसराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन जिसो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि स्टारबक्स इसराइल को सपोर्ट करता है। जब इसको मालूम हुआ कि स्टारबक्स इसराइल को सपोर्ट करता है तो इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी को डिलीट किया और इसके साथ साथ इसके मोबाइल में मौजूद स्टारबक्स के ऐप को भी डिलीट कर दिया, जिससे ये साबित हो गया कि ये इसराइल को नहीं बल्कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है। और अभी ब्लैकपिंक जिसो के मुतालिक जो न्यूज सामने आई है कि इसने फिलिस्तीनियों के लिए अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग डोनेट कर दी, तो आप लोग को बता दो कि ये बात बिल्कुल सच है। ब्लैकपिंक जिसो ने वाकई अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग गाजा फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए डोनेट कर दी। जिसो ने NGO सेव द चिल्ड्रन को अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग डोनेट की ताकि वो इससे इनकी खुराक और बाकी जरूरत को पूरा कर सके। जिसो ने जिस तंजीम को पैसे डोनेट की वो गाजा फिलिस्तीन के एक ऐसे इलाके के लोगों की मदद के लिए दी जाएगी जो इस वक्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जिसो के चैनल पर 4.9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद है। जिसो ने 3 जनवरी 2023 को अपने 28वें सालगिरह पर ये चैनल बनाया था और अभी 12 मार्च 2024 को किम जिसो ने NGO सेव द चिल्ड्रन को अपने YouTube चैनल की अर्निंग डोनेट की ताकि वो इस गाजा फिलिस्तीन के मासूम लोगों की मदद कर सके। तो इन सब चीजों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लैकपिंक जिसो किसको सपोर्ट करती है, इसराइल और फिलिस्तीन में से। जो कि ये सब चीजें जाहिर करती है कि जिसो फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है, न सिर्फ ब्लैकपिंक जिसो बल्कि सारे के सारे ब्लैकपिंक मेंबर्स फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जिन पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोग देखना चाहिए तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।